अचनेरा में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों का जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए पीने का पानी और किसानों के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था कराने के दिशा निर्देश जारी किए। अचनेरा में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों का जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि शासन के निर्देश अनुसार आज से गेहूं खरीद केंद्रों पर शुरू की जा रही है। सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि सभी गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था और किसानों के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है। उसी के लिए आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा अचनेरा मंडी में 2 केंद्रों का और एक इधर PCF के केंद्र का निरीक्षण किया गया और किसानों से भी मुलाकात की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और हम लोगों को भी निर्देश दिया कि किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सारे केंद्र एकदम चुस्त दुरुस्त पाए गए, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। आगे भी हम लोग ये प्रयासरत रहेंगे कि किसी भी किसान का गेहूं बेचने में विक्रय करने में किसी तरह की कोई समस्या ना आए और सभी को सुविधाजनक रूप से सबका गेहूं खरीदा जा सके। सभी केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं और आज से गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी गेहूं खरीद केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाए गए हैं, जिससे कि किसानों का गेहूं ठीक प्रकार से किसानों के सामने ही तोला जाए। जिलाधिकारी ने सभी गेहूं खरीद केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि गेहूं बेचने आए किसानों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े और ना ही किसानों से कोई सुविधा शुल्क वसूला जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी किसान अपने नजदीकी गेहूं क्रय केंद्र पर अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अचनेरा से ईशु चैनानी की रिपोर्ट।